हाय विवस, आज हम नूडल्स बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से बनते हैं। उसकी तैयारी है जो सबको वो बहुत ही पसंद है, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। उसके लिए मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है, उसको मैंने क्यूब के जूलियन कटिंग में काट करके फिर मैं थोड़ा सा सा फ्राई करूँगी इसको हल्का सा। देखिए ये मेरी चिकन पक गई है, थोड़ी सी मैंने इसको ब्राउन कर लिया था, ये ब्राउन हो गई। अब मैं इसको निकाल दूंगी। मैंने अपनी चिकन इसमें से निकाल लिया है। अब इसी पैन में मैं एक चमचा ऑयल का डाल करके और इसमें तमाम सब्जियों को मैं सौते करूंगी। तो सबसे पहले मैं डालूंगी गार्लिक, ये मैंने चॉप कर लिया है। मेरा लहसुन सौते हो चुका है। अब मैं इसमें कैबेज डाल दिया है, थोड़ा सा ही डालना जी। गार्लिक के बाद मैंने सबसे पहले इसमें कैबेज डाला है, फिर मैंने इसमें गाजरें डाली है, जो कि मैंने तमाम चीजें जो है मैंने जूलियन कटिंग में काटी है। ये सब मैंने जूलियन कटिंग में काटी है। और एक मैंने हरी मिर्च ली है और हरी मिर्च को मैंने चार पीस में, ये देखिए हरी मिर्च को मैंने चार पीस कर लिए। ये पेस्ट नहीं मैंने डाला है, बस इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। क्योंकि देखिए विवेक, ये मैंने सारी सब्जियों को सौते किया है, देखिए कितनी कलरफुल लग रही हैं और बहुत ही अच्छी क्रंच। क्योंकि हम इन्हें ज़्यादा नहीं पकाएंगे, एक थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसकी क्रंची इसमें बाकी रहे। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे चिकन भी इसमें शामिल कर देते हैं। मैंने चिकन भी शामिल कर दिया इसमें और अब हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे सोया सॉस, ये मैंने 3 चम्मच लिया है। ये चिली सॉस है 1 चम्मच, ये केचप है, ये भी 1 चम्मच से ज़्यादा है थोड़ा सा। ये काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, देखिए कितनी अच्छी सी हमारी इसमें खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा पक रहा है ये। और ये एज पर टेस्ट मैंने नमक लिया है, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आप खाते हैं उतना ही डाल लीजिएगा, मैंने कम से कम ही डाला है। हाई यमी, देखिए कितनी कलरफुल है, टकली कलर है तो इसकी वजह से बहुत ही अच्छा बड़ा प्यारा खूबसूरत सा लग रहा है। अच्छा मेरा लास्ट है ये कॉर्नफ्लोर, मैंने 1.5 चमचा लिया है और मैंने थोड़े से पानी में हल करके ये मैं इसमें डाल रही हूँ लास्ट स्टेज। बस जब ये थोड़ा सा पक जाएगा इसमें तो हमारा ये बेस तैयार हो जाएगा। फिर हम पानी लेंगे और पानी के अंदर इस स्पेगेटी को उबालेंगे। ये हमारा सब तैयार हो जाएगा, ये ज़रा सा पानी खुश्क हो जाए तो हम ये इसको बंद कर देते हैं फ्लेम को और फिर हम पानी रखेंगे अपने नूडल्स के लिए। देखिए भी बस मैंने ये सब चीज़ें मेरी तैयार हो गई हैं। मैंने इसके अलावा एक ये अपना जैतून लिया है, जैतून ऑप्शनल है, आप चाहे डालें या ना डालें, क्योंकि मैं तो इसलिए डाल रही हूँ कि ये मुझे पसंद है। जी ये हमारा तैयार हो चुका है बेस, अब हम इसको फ्लेम को बंद करते हैं और अपने नूडल्स के लिए पानी रखते हैं। ठीक है जी भी बस, मैंने ये आधा देसी पानी का लिया था जो कि बॉइल हो रहा है, तकरीबन बॉइल होने में 2-3 मिनट रह गए, तो इसके अंदर मैं एक नमक डालूंगी 1 चमचा। अच्छा एक ही, इसके बाद मैं 1 चमचा ऑयल का डालूंगी। ऑयल हम इसलिए डालते हैं, ये एक टिप है, ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि जब मैं नूडल्स डालूंगी तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। ठीक है अब मैं इसमें, ये मेरे पास स्पेगेटीज हैं, बस ये मेरे पास नूडल्स हैं, ये 500 हैं, तो मैं ये आधा लूंगी यानी कि 250 ग्राम। ठीक है
और ये हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये पक नहीं जाते। हम बीच में इसको खोल के देखेंगे और इसको थोड़ा सा इसको टच करके देखेंगे कि गल गया है। अगर गल जाएगा तो फिर हमारा पक गया है। जी मैं चेक करती हूँ कि ये गल गया है नूडल्स या नहीं। अभी इसमें कितनी देर है गलने में, तो इसका तरीका ये है कि हम इसको छू कर देखेंगे और दबा के देखेंगे। अगर गल जाएगा तो ये आराम से टूट जाएगा। हाँ, ये तकरीबन गल चुके हैं। और फिर एक तरीका ये भी है कि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। जी ये तैयार हो चुके हैं नूडल्स, तो अब मैं इसका पानी निकाल दूंगी। ठीक है, हाँ ये मैंने पानी निकाल लिया, ये मैंने स्पगेटी से पानी निकाल लिया है। तो अब मैं अपनी जो सब्जियां तैयार की हुई थी वो सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत जबरदस्त सा बना है, बहुत क्रंची सा। ये भी बस हमारा चटपटा मजेदार सा यमी यमी सा नूडल्स तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। लीजिए व्यूवर्स, ये मेरे नूडल्स तैयार हैं। अब बनाइए, अब बच्चों को खिलाइएगा। यकीनन 100% कहती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और खुद आपको भी बहुत पसंद आएंगे।